की खबरों के बीच में खरीदारी आई है, 5% ऊपर है। ऑल दो बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जो पिछले साल की तेजी में फंसे हुए हैं स्टॉक में, जिनकी बाइंग 200 रुपए से ऊपर तक की है, 225 250 की तक की बाइंग है। आईएक्स पर उचित क्या व्यू है आज के न्यूज स्पेसिफिक इंपैक्ट के बाद? ये स्टॉक में करेक्शन के बाद अभी ऐसे लेवल पे ट्रेड कर रहा है जहां पे एग्जिस्टिंग पोजीशंस भी एग्जिट करने जैसा नहीं है, लेकिन स्टॉक में कोई बड़ी तेजी भी फिलहाल एक्सपेक्टेड नहीं है। सो मे बी एक टाइम वाइज करेक्शन या कंसोलिडेशन स्टॉक में रहेगा कुछ समय के लिए और, बट यस प्राइस वाइज आई थिंक डाउनसाइड शायद लिमिटेड रहेगा। और इस न्यूज के बाद जो हम सपोर्ट देख रहे हैं स्टॉक में, तो उसके कारण डिक्लाइंस पे आपको 135 140 की रेंज में एक अच्छा सपोर्ट बेस बनता हुआ नजर आ सकता है। तो कोई भी पोजिशन से तो बने रहे, लेकिन मिड टू लॉन्ग टर्म का नजरिया ही रखना रहेगा। शॉर्ट टर्म में कोई बड़े मूव इधर साइड नहीं लग रहा है कि स्टॉक में बनेंगे।